PPSC ऑफिशियल चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और सबसे पहले मैं आपको असलाम भेजता हूँ, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक है असिस्टेंट का पेपर है जो 2012 में हुआ था। तो इंशाल्लाह ये सभी टेस्टों के लिए, जो भी आप ये ना देखा करें असिस्टेंट का या क्लर्क का कोई भी है, तो ये MCQ होते हैं, ये किसी न किसी पेपर में लाजमी रिपीट होते हैं। तो इसलिए कोई भी पेपर आप मिस ना किया करें, ये आपके लिए ही बेनिफिट होते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप से मेरी इंशाल्लाह इल्तिजा है, तो न्यू चैनल पर विजिटर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। जी क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता कि शॉर्टली आफ्टर उसामा बिन लादन डेथ, बिन लादन बॉडी वाज बरीड एट सी। कहता हु इज द स्पीकर ऑफ द प्रोविजनल असम्बली ऑफ पंजाब। ये 2012 में राणा इकबाल था, लेकिन अबद असद कैसर नहीं, ये साधक समझरानी थे। तो अब ये प्रोविजन ऑफ द पंजाब ये है, दूसरा हमारा उसका नाम क्या था, कहता विच टू कंट्री क्लेम सियाचिन ग्लेशियर। कहते हैं कि कौन से दो कंट्री ने सियाचिन ग्लेशियर के लिए क्लेम किया था, वो थे पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड इंडिया टू कंट्री टू क्लेम फॉर सियाचिन ग्लेशियर। कि पाकिस्तान और इंडिया ने दो कंट्री थे जिन्होंने सियाचिन ग्लेशियर के लिए क्लेम किया था। कहते हैं शहबाज एयरबेस इज लोकेटेड इन यकूबाबाद, शहबाज एयरबेस इज लोकेटेड इन यकूबाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री ज्वाइन UNA सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर फॉर द टर्म ऑफ 2 ईयर ऑन 1 जनवरी 2012। वो थे पाकिस्तान। कहता पाकिस्तान एशियन कंट्री ज्वाइन UNA जनरल सिक्योरिटी काउंसिल एज नॉन परमानेंट मेंबर फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर ऑन 1 जनवरी 2012। वो थे पाकिस्तान। हु वाज द पावो लिपोनेन, वो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फाइनलैंड, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द फाइनलैंड। हाईएस्ट मिलिट्री वार्ड ऑफ द इराक, यानी इराक का जो हाईएस्ट मिलिट्री वार्ड है वो क्या है, ऑर्डर ऑफ द रफियो, ऑर्डर ऑफ द रफियुद्दीन, ऑर्डर ऑफ द रफीद इन, ठीक है, ये उसका था हाईएस्ट मिलिट्री वार्ड ऑफ द इराक। मेमू गेट्स स्कैंडल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वो था पाकिस्तान। मेमू गेट स्कैंडल इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, वो थे पाकिस्तान। विच नेबर कंट्री ऑफ द पाकिस्तान इज लैंड लॉर्ड कंट्री, जो अफगानिस्तान ये पाकिस्तान का नेबर कंट्री है जो लैंड लॉर्ड है। तो क्या क्वेश्चन हुआ कि अफगानिस्तान कंट्री ऑफ द पाकिस्तान इज लैंड लॉर्ड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ दीज रिसोर्ट्स इज नॉट ऑन द फ्लोरिडा यानी इकोलरंड कोस्ट, वो है डायनोना बीच। कहता वन गोज टू बीच ऑन द सनशाइन कोस्ट इन विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट, वो था क्वींसलैंड। कहता वन गोज टू बीच ऑन द सनशाइन कोस्ट इन विच ऑस्ट्रेलियन स्टेट क्वींसलैंड। नेक्स्ट, व्हाट नेम रेफर बोथ टू कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अफ्रीका द सैन फ्रांसिस्को बाय एरिया, वो था बारबरी कोस्ट। उसका नाम क्या था, बारबरी कोस्ट। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द कंट्री सूडान, सूडान का कैपिटल क्या है, यानी सूडान का दार खुलाफा क्या है, खुर्तुम। सूडान का दार खुलाफा क्या है, खुर्तुम। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी पार्टिसिपेट इन एनुअल 2012 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट दिवोस। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी
एनुअल 2012 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एट दिवोस। कहता है व्हेन हमस केम इनटू पावर इन फलस्तीन 25 जनवरी 2005 व्हेन हमास केम इनटू पावर इन फलस्तीन 25 जनवरी 2005 द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन ईयर 1792 फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इनटू 1792 सर सैयद वाज गिवन द टाइटल ऑफ द नाइटहुड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1888। कहता है कि सर सैयद अहमद खान वाज गिवन द टाइटल सर सैयद अहमद खान को टाइटल मिला था नाइटहुड का बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1888 में। सर सैयद अहमद खान को टाइटल मिला था नाइटहुड का बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1888 में। लॉयल मोहम्मदन ऑफ द इंडिया लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। व्हेन डिड सर सैयद सेट एमयू हाई स्कूल इन अलीगढ़ 1875 सर सैयद अहमद खान एमयू यानी एमएओ हाई स्कूल अलीगढ़ का बनाया था 1875 और 1877 में ये कॉलेज बन गया और 1920 में ये यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया। द यूएनए जनरल असेंबली अप्रूव्ड कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTB यानी कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑन 10 सितंबर 1960। कहता है यूएनए जनरल असेंबली अप्रूव्ड कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑन 10 सितंबर 1960 CTB 10 सितंबर 1960। कहता है ब्रिटिश रिलिंक्विश्ड द कंट्रोल ऑफ हांगकांग एंड दस इट बिकेम द पार्ट ऑफ चाइना ऑन जुलाई 1997। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज रीडमिटेड टू कॉमनवेल्थ रिसेंटली वो था पाकिस्तान पाकिस्तान कंट्री वाज रीमिटेड टू द कॉमनवेल्थ रिसेंटली। व्हाट इज द करेंसी ऑफ द हिटी यानी हैटी की करेंसी क्या है गोरिड गोरिड द हैटी ऑफ द करेंसी गोरिड। ऑन विच रिवर बगलीहर डैम बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय इंडियन वोल्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी वो था चिनाब पर। बगलीहर डैम कहाँ पर बनाया गया है दरियाए चिनाब पर। इन व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज मॉस्किटो कोस्ट लोकेटेड वो सेंट्रल अमेरिका सेंट्रल मॉस्किटो कोस्ट लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका जो मॉस्किटो कोस्ट लोकेटेड इन सेंट्रल अमेरिका। अ स्कूल हैज़ इनफ फूड फॉर 400 चिल्ड्रन फॉर 12 डेज हू लॉन्ग विल बी फूड लास्ट इफ 80 मोर चिल्ड्रन ज्वाइन देम। तो ये कितने दिन के लिए हो जाएंगे ये 10 दिनों के लिए हो जाएंगे 10 डेज के लिए। वैन पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड इन 1940 यानी पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन प्रेजेंटेड की थी 1940 में तो सरदार सपोर्टर टू द सेम इन एवरी इफेक्टिव वे मैनर वो थे औरंगजेब। द लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय गाजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ बलोचिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन वाज सपोर्टेड बाय गाजी मोहम्मद ईसा फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ बलोचिस्तान। नेम द सिंध लीडर हु सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ द सिंध सर अब्दुल्ला हारून सर अब्दुल्ला हारून सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ सिंध सिंध की तरफ से किसने किया था सपोर्ट सर अब्दुल्ला हारून सर अब्दुल्ला हारून सपोर्टेड पाकिस्तान रेजोल्यूशन फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सिंध। मौलाना जफर अली खां फ्रॉम द प्रोविजन सपोर्ट टू द पाकिस्तान रेजोल्यूशन पंजाब मौलाना जफर अली खां ने यानी पाकिस्तान यानी प्रोविजन को सपोर्ट किया था कहाँ किसकी तरफ से पंजाब की तरफ से।
अलामा शबीर अहमद उस्मानी फॉरवर्ड आ पार्टी ऑफ उलमा कॉल्ड जमीतुल उलमाए इस्लाम, जमीतुल उलमाए इस्लाम। कैद आदम वांटेड थ्री ला लॉर्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एज इंपोर्टेंट मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू बाउंड्री कमीशन। कैद आजम वांटेड टू थ्री ला लॉर्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम एज इंपोर्टेंट मेंबर टू बी अपॉइंटेड टू द बाउंड्री कमीशन। द सम ऑफ टू कंजर्वेटिव नंबर इज 55 विच इज़ द लार्जेस्ट नंबर इज 28। इनमें जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा 28। अ पर्सन ट्रैवल 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ देन 15 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट आफ्टर डैट 15 किलोमीटर ड्यू टू वेस्ट एंड देन 18 किलोमीटर ड्यू टू साउथ हु फिट इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वो क्या हो जाएगा 6 किलोमीटर। हु वाज द लेजिक मिलर, लेजिक मिलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोलैंड, लेजिक मिलर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पोलैंड। यूनाइटेड स्टेट ऑब्जर्व इट्स इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर 4 जुलाई। USA अपना इंडिपेंडेंस कब मनाता है 4 जुलाई को। दैट द ट्रूशियल कोस्ट इज द फॉर्मन नेम ऑफ द पोलिटिकल इंटेनिटी यूनाइटेड अरब अमारात, यानी ट्रूशियल कोस्ट इज अ फॉर्मन नेम ऑफ द पोलिटिकल इंटेनिटी यूनाइटेड अरब अमारात। द सिलेक्टेड कोस्ट लाइज अलोंग द शोरिस नीमिया इन साउथ वेस्ट अफ्रीका। व्हाट अ यूरोपियन कंट्री ओरिजिनली क्लोन्ड नीमिया, वो था जर्मनी। यानी XLIX इज द रोमन नंबर फॉर विच नंबर 49। इन कुकिंग व्हाट इज द बीमेज अ टाइप ऑफ द शूज, बीमेज अ टाइप ऑफ द शूज। व्हाट डज PT स्टैंड फॉर, ए PT स्टैंड फॉर फेमस शो मैन PT पेमन नेम, वो था पिनिस टेलर, पेनिस टेलर। बंको एंड फ्लैनस वर द करैक्टर इन विच शेक्सपियर ट्रेजेडी, वो था मैकबेथ। बंको एंड फ्लैनस वर द करैक्टर इन विच शेक्सपियरियन ट्रेजेडी मैकबेथ। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रिवर इटली जूलियस सीजर क्रॉस्ड इन 49 BC विच काज द सिटीजन रोम सिटीजन रोम टू फियर डैड वाज गोइंग टू अटैक टू इम्पोज द डिक्टेटरशिप आफ्टर द कन्क्वेस्ट ऑफ द कोइल, वो था द रूबी कॉन। हीमोग्लोबिन कैरीज एंड अब्सॉर्ब्स व्हाट इज द ह्यूमन ब्लड स्ट्रीम ऑक्सीजन। अ कॉमन निकनेम फॉर द न्यू एयरलाइंस इज, यानी क्रीसेंट सिटी। हु सेड डू नॉट जज मैन हिज ओपिनियन बट व्हाट इज द ओपिनियन हैव मेड हिम, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग JR। विच टेनिस टूर्नामेंट इज प्ले ऑन द नेशनल ग्रास कोर्ट, वो था विम्बलीडन। विम्बलीडन टेनिस टूर्नामेंट इज प्लेड ऑन द नेशनल ग्रास कोर्ट। विच कंट्री स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पनामा कैनाल, वो था फ्रांस। फ्रांस स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पनामा कैनाल। ए शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स हायर एज दे अप्रोच एंड लोअर दे रिसीड फ्रॉम यू कॉल्ड डुप्लर अफेक्ट। दिस इज द इंटरनेशनल नोन एज द पिसोसाइक गोड इज पिसोसिक अबिलिटी आफ्टर सस्टेनिंग ब्रेन इंजरी बाय टेलिंग ऑफ अ लीडर हु वाज इट पैटर ओर्गस। इन पोकर व्हाट नोन एज द डेड मैन हैंड अ पेयर ऑफ द असीज एंड एड्स। डोनाल्ड ट्रंप बिकम द बिलियनेयर ऑन हिज वन बट इज द हैंड ऑलरेडी बीन बॉम टू मिलियन फादर व्हाट इज द बिजनेस वर्ड हिज फादर रियल एस्टेट कर चुका बाबा फिर भी था। इन 2002 व्हाट वाज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर गॉल ब्लैडर सर्जरी, वो था लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। इन 2012 व्हाट मोस्ट कॉमन सर्जिकल प्रोसीजर फॉर द गॉल ब्लैडर सर्जरी।
कहता है स्लिम बोर्ड आ पेयर ऑफ द शू 300 रुपये एंड सोल्ड 370। अब सीधे पता है उसने 300 के खरीदे थे, 370 के तो प्रॉफिट कितना होगा 70 रुपये। अनवर बाउट आ शर्ट 500 एंड सोल्ड 525, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ 25 रुपये। इफ़ अ कार सोल्ड 50,000 द प्रॉफिट 17%, वट वुड बी परसेंटेज ऑफ सोल्ड 47,000, तो कितना आ जाएगा 15.98। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर द UNA ऑफिशियल लैंग्वेज, वो चाइनीज एंड अरबिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन लैंग्वेज आर आ UNA ऑफिशियल लैंग्वेज, वो है चाइनीज एंड अरबिक। विच इज़ द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वो था मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी इज़ द वर्ल्ड सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो मैक्सिको सिटी के दूसरे नंबर पर मोस्ट यानी पॉपुलर सिटी है। विद विच एक्टिविटी द वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क USA एसोसिएटेड विद बैंकिंग एंड फाइनेंस, द बुक अनसाफ एट एनी स्पीड वॉज अटैक ऑन वट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल। वट फादर मेजर लीग बेसबॉल प्लेयर रोड द ऑटोबायोग्राफी टाइटल कैच इन वेरी, वो था बॉम यूकर। द ब्लडीस्ट डे ऑफ द बैटल ऑफ द सिविल वॉर वॉज फाउट एटीनियम इन वट स्टेट इज एटीनियम, वो था मेरी लैंड। इन प्रिंटिंग टर्मिनोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्ट टर्म फॉर बैकिंग ऑफ द शीट, शीट फेड प्रिंटिंग वर्क एंड टम्बल। What would take place in the roundhouse? A train would be turned around. The cartoon character Heckle and Jekyll were what type of the bird? वो था magpies. Gwadar port is construction in the provision of the Balochistan. Gwadar port is construction in the provision of the Balochistan. First SOS village of Pakistan was established in Lahore 1977 में हुआ था। वट इज़ द पॉपुलेशन रैंक ऑफ पाकिस्तान अमॉन्ग द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री, वो था छठे नंबर पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, बरोही यानी जिसे आप बलोची बोल सकते हैं। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी विच रिवर वर गिवन टू इंडिया, रावी ब्यास एंड सतलुज इंदर वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया को दिए गए थे। अंडर इंडस वाटर ट्रीटी गिवन पाकिस्तान इंडस रिवर झेलम एंड चिनाब तीन दिए गए थे। मराला हेडवर्क हैज़ बिन कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर चनाब, मराला हेडवर्क कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर ऑफ द चनाब। सेंडेक प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड विद द हेल्प ऑफ चाइना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बिगेस्ट डिपॉजिट ऑफ द कोल पाकिस्तान, वो थार कोल डिपॉजिट। विच रैंक सेपरेट चाइना फ्रॉम पाकिस्तान, वो है कोहे कराक्रम रेंज। नेम द रेंज विच सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, वो है हिंदू कश रेंज सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। वट बर्नर डाउन इन द रॉक एंथम स्मोक ऑन द वाटर, वो था गैम्बलिंग हाउस। वट बर्नर डाउन इन द रॉक एंथम स्मोक ऑन द वाटर, वो था गैम्बलिंग हाउस। लिटर राउंड टॉप इज अ माउंटेन ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, फॉर वट इज द फेमस, इट वॉज द साइट ऑफ द बैटल। बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी ऑफ द डिफेंस अंडर द किडनी एंड जोहसन एडमिनिस्ट्रेटर रॉबर्ट मैकनमरा वॉज द प्रेजिडेंट वट लार्ज कॉरपोरेशन, वो था फोर्ड मोटर कंपनी। दस्त रिवर लोकेटेड इन बलोचिस्तान, दस्त रिवर कहाँ पर वाक़ है बलोचिस्तान में। हु मैनी टाइम्स आर इन दर्जन 12, विच इज द ओरिजिन ऑफ द जेन एंस्टन नॉर्थजन अबे, वो था कैथरीन मोरलैंड। हु रोड द पासिज टू इंडिया ई एम फोर्स्टर। विच जेन एंस्टन हिरन फर्स्ट नेम आल्सो बुक टाइटल, वो था ईमा। विच जेन एंस्टन हिरन फर्स्ट नेम आल्सो बुक टाइटल ईमा। विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट सिंध प्लान विद क्वेटा, वो है बोलन पास। फेमस लेक सैफुल मलूक सैचुएटेड इन कगान, जो फेमस लेक है वो कहाँ पर है सैफुल मलूक, वो कगान में वाक़ है। विच इज़ द मोस्ट थिंकली पॉपुलर रीजन ऑफ पाकिस्तान, वो है बलोचिस्तान।
लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 370 किलोमीटर, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे 370 किलोमीटर। द सिल्वर सरफेद मेड इज कॉमिक बुक डिब्यूट एंड फ्यू विच इज द सरफियो ग्रुप वो था फंटेस्टिक ओवर। वट इंडिया चीफ टुक पार्ट ऑफ द मैसूर कस्टर लास्ट स्टैंड एंड लेटर फॉर्म पार्ट ऑफ द बफलो बिल विल्ड वेस्ट शो वो था सिटिंग बुल। वट इज द मोस्ट अनयूजली टूरिस्ट अट्रैक्शन एट द लेक हबेस्को सिटी अर्जुना वो था लंदन बेरिज। हु मैनी बुल्स आर देयर इन अराउंड वन हु मैनी बुल्स आर देयर इन अराउंड कितने होते हैं वन। वर्ड कंपनी ऑन यूज टू स्लोगन यू पुश द बॉटम कोडक वी डू द रेस्ट। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑन परोल वो द कंडीशनर रिलीज फ्रॉम द पर्सन। अ मोटरसाइकिल कवर 660 फीट 60 सेकंड में एंड हो मैनी वर्ड्स वो कितने आ जाएगा 220। इन द डिफरेंट 5 टाइम एंड 9 टाइम तो नंबर ऑफ द कितना आ जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन है ये देखें ये 9x-5x=24 तो 9 में 5 गया बाकी कितने आएगा 4x=24 को 4 पर तकसीम किया 6 4 24 तो करेक्ट ऑप्शन बढ़ा के आ गया 6। द स्पीड ऑफ द कार फर्स्ट एंड 32 किलोमीटर इज सेकंड दैट एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी एवरेज स्पीड 31 किलोमीटर। विच ऑफ दीज निक नेम एट द ब्रिटन वुड टविंस IMF एंड IBRD। विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट डिब्यूटर ऑफ द UNA वो है USA। और इसके साथ मुझे इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।